हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू डेंटल इम्प्लांट्स कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बोन डेंसिटी की क्लासिफिकेशन। देखिए, बोन डेंसिटी को क्लासिफाई करना, बोन डेंसिटी की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल और क्लिनिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कैसी बोन की डेंसिटी होगी वैसा ही हम इम्प्लांट प्लेस करेंगे। हमारा इम्प्लांट प्लेसमेंट, जो हमारी इम्प्लांट प्लानिंग होगी, वो हमारी बोन डेंसिटी पे ही डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम कौन सा इम्प्लांट चूज करेंगे, वो हमारी कैसी बोन की डेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है। उसमें हम लोग तीन क्लासेस पढ़ेंगे, तीन क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले आई थी, वो दी थी लिंकों ने 1970 में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीन क्लासेस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे लेकहोम एंड जार्प की क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग चार क्लासेस पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, जो कि हमारी है मिश की क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग पांच पढ़ेंगे। तो देखिये, तीन, चार और पांच सब ग्रुप्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिकेशंस। नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस। हम डेंटल इम्प्लांट किस केस में नहीं प्रिस्क्राइब करते, कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हम डेंटल इम्प्लांट नहीं देते हैं। और लास्ट हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजी में भी और बीडीएस में भी, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले बोन डेंसिटी की क्लासिफिकेशन पे। तो बोन डेंसिटी की सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमने कौन सी पढ़ी थी, सबसे पहली थी हमारी लिंको की क्लासिफिकेशन जो उसने दी थी 1970 में। तो उस लिंको की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारी क्या है, तीन क्लासेस है। तो जो हमारी क्लास वन है वो हमारी क्या है, आइडियल बोन है। आइडियल बोन का मतलब, जैसे आपको पता है हमारी बोन के अंदर क्या है, सबसे अंदर जो होता है हमारा कैंसिलेटेड या स्पंजी बोन प्रेजेंट होती है, और बाहर हमारा क्या होता है, कॉर्टिकल बोन प्रेजेंट होती है, यानी डेंस बोन प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर आइडियल बोन कौन सी होगी, जिसके अंदर हमारे बाहर जो होंगे उसमें इवनली स्पेस्ड ट्रबैक्यूले होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड भी इम्प्लांट के लिए अच्छी नहीं है, और अंदर जो होगा हमारा वो होगा स्मॉल कैंसिलेटेड स्पेसेस, यानी कि ज्यादा स्पंजी नहीं है। देखिए, स्पंजी का मतलब स्पंज जैसा, यानी ट्रबैक्यूले बहुत दूर दूर होंगे तो ही वो ज्यादा स्पंजी होगी। इसमें क्या हमारा कम स्पंजी है, यानी कि हमारे जो वो है वो पास पास हैं, जो ट्रबैक्यूले हैं वो ज्यादा दूर दूर नहीं है, वो थोड़ा पास पास है। तो ये क्या हमारे लिए आइडियल है, यानी स्मॉल कैंसिलेटेड स्पेस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लास टू क्लासिफिकेशन जो है हमारी लिंको की, क्लास टू ग्रुप जो है हमारा, उसके अंदर क्या है हमारा, ये है सेटिस्फैक्ट्री हमारे इम्प्लांट प्लेस करने के लिए। ओके टाइप्स जो है हमारी, ये बोन है, इसके अंदर हमारा क्या होगा, इसमें जो था स्मॉल कैंसिलेटेड था, ये कैंसिलेटेड ज्यादा हो गया है जब थोड़ा, तो ठीक ही है, मतलब ये इम्प्लांट प्लेस कर ही सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है हमारा, स्लाइटली कैंसिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास आई है, क्लास थ्री जो है हमारा, वो क्या है, लूज फिटिंग इम्प्लांट है, यानी कि इम्प्लांट में स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। क्लास थ्री में लूज फिटिंग इम्प्लांट, तो इसमें क्या है हमारा, जो हमारा स्पेस है, ट्रबैक्यूले हैं, वो बहुत दूर दूर ट्रबैक्यूले हैं, तभी हमारी फिटिंग जो है इम्प्लांट की वो अच्छी नहीं हो रही है। तो इसके अंदर हमारा क्या है, लार्ज मैरो फील्ड जो होंगे, ट्रबैक्युलर स्पेसेस होंगे, लार्ज मैरो फील्ड स्पेसेस प्रेजेंट है हमारी ट्रबैक्यूले में। ठीक है, इसके साथ हमारी खत्म होती है लिंको की क्लासिफिकेशन बोन डेंसिटी की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी लेकहोम एंड जार्प की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है लेकहोम एंड जार्प की। लेकहोम एंड जार्प के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था, हमारी चार क्लासेस होती हैं, चार ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो ग्रुप है, सबसे पहली जो हमारी क्लास है, वो क्या है हमारा, होमोजिनस कॉम्पैक्ट बोन है, यानी कि बहुत ज्यादा डेंस बोन है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, होमोजिनस कॉम्पैक्ट बोन है, होमोजिनस कॉम्पैक्ट बोन है।
अगर टू की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, देखिए जो हमारा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा होता है जो हमारा कॉम्पैक्ट बोन होता है वो थिन होता है ना, और अंदर जो होगी मेरी ट्रबैक्युलर होगी इसकी ग्रुप टू के अंदर जो हमारा क्लास टू है लेकोम एंड जार्ब का, उसमें हमारा ट्रबैक्युलर पैटर्न डेंस है, यानी कि बाहर तो हमारी क्या है कॉम्पैक्ट बोन है और अंदर क्या है डेंस ट्रबैक्युले है, अंदर क्या है मेरे डेंस ट्रबैक्युले, यानी जो स्पंजी जो बोन है हमारी डेंस है, ठीक है, ट्रबैक्युलर पैटर्न जो है वो डेंस है। थर्ड की बात अगर हम लोग करते हैं तो उस केस में क्या है हमारा जो बाहर है वो थिन कॉर्टिकल लेयर है, बाहर वाली लेयर जो है वो थिन है और अंदर जो है अभी भी डेंस ट्रबैक्युलर पैटर्न है, तो अंदर जो है वो मेरा डेंस ट्रबैक्युलर है इसके अंदर क्या है थिन कॉर्टिकल है बाहर और अंदर जो है मेरा वो डेंस ट्रबैक्युले है। अगर फोर की बात करते हैं तो फोर में क्या होगा गैस कीजिए, अब सबसे जो है हमारी पुअर क्वालिटी की बोन में क्या होगा, बाहर तो क्या होगा हमारा थिन ही रहेगा, तो बाहर जो है मेरी थिन कॉर्टिकल है और अंदर क्या है मेरी जो यहां पे डेंस ट्रबैक्युलर थी वो मेरी क्या है यहां पे लो डेंस ट्रबैक्युले, लो डेंस ट्रबैक्युले, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले कॉम्पैक्ट बोन है, फिर कॉम्पैक्ट बोन बाहर अंदर डेंस ट्रबैक्युले, फिर थिन कॉम्पैक्ट बोन बाहर और अंदर जो है डेंस ट्रबैक्युले ही है, अभी भी ट्रबैक्युलर पैटर्न बहुत पास पास है और फोर्थ क्लास के अंदर हमारा क्या है थिन कॉर्टिकल प्लेट है बाहर और अंदर जो है वो लो डेंस ट्रबैक्युले है। तो लास्ट क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं बोन डेंसिटी की, जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जो क्लिनिक्स में भी हम यही क्लासिफिकेशन जो है फॉलो करते हैं, जो कि हमारी है मिश की क्लासिफिकेशन, मिश की क्लासिफिकेशन। तो मिश की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो होगा मेरा वो होगा मेरा डेंस कॉर्टिकल। देखिए मैं आपको ये बताती हूं कि मेरी डेंस कॉर्टिकल प्लेट जो कॉर्टिकल बोन जो है वो कैसी आपको रियल लाइफ में कितनी डेंसिटी होगी, कितनी थिक होगी। तो जो हमारा ओक या फिर मेपल वुड होता है उसकी उसकी थिकनेस उसकी डेंसिटी से उसके गाढ़ेपन से मेरा क्या है बोन की डेंसिटी मैच करती है। देखिए अगर आप ट्री हाउस भी बनाना चाहते हैं तो ट्री हाउस में भी जो है हमारी ओक और मेपल की ही वुड लगती है, तो ये सबसे ज्यादा जो होती है हमारी थिक होती है, तो ये हमारी क्या है सबसे ज्यादा कॉर्टिकल है। तो क्लास जो D1 बोन है हम लोग उसने क्या बोला था D1 D2 D3 D4 D5, तो D फॉर डेंसिटी जो है हमारी आगे। तो अगर हम लोग सेकेंड क्लास की बात करते हैं यानी D2 की बात करते हैं तो उसमें मेरी क्या है बोन, उसमें मेरी बाहर जो है वो तो पोरस कॉर्टिकल है और अंदर जो है वो है मेरी कोर्स ट्रबैक्युले, यानी कोर्स ट्रबैक्युले मतलब थोड़ा गाढ़े ट्रबैक्युले है पास पास है। तो ये किसके अंदर मिलता है हमारा, ये मेरा मिलता है व्हाइट पाइन जैसी वुड की कंसिस्टेंसी जो ये इसमें है, तो ये पोरस कॉर्टिकल प्लस कोर्स ट्रबैक्युले, कोर्स ट्रबैक्युले, ये हो गया मेरा D2 बोन, ठीक है। D3 बोन की बात करते हैं तो D3 बोन के अंदर क्या है, D3 बोन के अंदर है पोरस कॉर्टिकल और अंदर क्या है मेरा फाइन ट्रबैक्युले। देखिए अब इसमें मिश की क्लासिफिकेशन और लेकोम जार्ब की क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस था, उसमें मेरा थिन कॉर्टिकल था थर्ड के अंदर, थर्ड क्लास के अंदर थिन कॉर्टिकल था लेकिन अंदर डेंस ट्रबैक्युले था, इसमें क्या है मेरा पोरस कॉर्टिकल है और अंदर है मेरा फाइन ट्रबैक्युले, फाइन ट्रबैक्युले। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो पीछे वीडियो में बैक करके जाके देखिए कि इसके अंदर जो था हमारा थर्ड क्लास के अंदर जो लेकोम एंड जार्ब की क्लासिफिकेशन थी उसमें मेरा डेंस ट्रबैक्युले था, इसमें मेरा फाइन ट्रबैक्युले। तो ये मेरी D3 बोन है, ये किससे कंसिस्टेंसी मैच करती है, जो बल्सा वुड होती है उससे मेरी ये जो है कंसिस्टेंसी मैच करती है इस बोन की डेंसिटी की। जो क्लास 4 D4 बोन बची, आप बोलोगे मैम आपने ये भी थिन कर दिया ये भी फाइन कर दिया तो बचा क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे ट्रबैक्युले बचते हैं, तो ये जो है मेरी सिर्फ फाइन ट्रबैक्युले है। जो D4 ये होगी मेरी, D5 बोन की बात अगर हम करते हैं, D5 बोन जो है वो मेरी मिनरलाइज ही नहीं हुई है, वो मेरी इमेच्योर बोन है, जैसे कि अगर आप वोवन बोन के अंदर डालते हैं इमेच्योर नॉन मिनरलाइज्ड बोन जो है वो मेरी D5 बोन है, नॉन मिनरलाइज्ड।
ये जो होती है डी फोर बोन जो होती है वो स्टायरोफॉर्म जैसी होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कहां कहां प्रेजेंट होती है, तो देखिए जब हमारी डेंसिटी की बात करते हैं तो अगर आपको पता हो, इसमें भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर इंट्राओरल बोन ग्राफ्ट लेना तो कहां से लेते हैं, सबसे डेंस बोन कहां पे प्रेजेंट होती है, मैंडिबुलर एंटीरियर में, सिम्फाइसिस रीजन में। तो सबसे डेंस हमारी बोन होती है मैंडिबुलर एंटीरियर में, उससे कम डेंस होती है मैंडिबुलर पोस्टीरियर में, उसके बाद आती है मैक्सिलरी एंटीरियर में, और सबसे जीरो क्वालिटी की बोन, जो सबसे घटिया क्वालिटी की बोन होती है, वो पोस्टीरियर मैक्सिलरी रीजन में होती है। तो दोबारा बात करेंगे तो हमारी D1 बोन कहां पे प्रेजेंट होगी, D1 बोन हमारी प्रेजेंट होगी एंटीरियर मैंडिबल में, एंटीरियर मैंडिबल में। और D2 कहां पे प्रेजेंट होगी, पोस्टीरियर मैंडिबल में। D3 कहां प्रेजेंट होगी, मैक्सिला एंटीरियर में। D4 कहां प्रेजेंट होगी, मैक्सिला पोस्टीरियर में। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि D2 सिर्फ पोस्टीरियर मैंडिबल में ही प्रेजेंट होगी। अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की, तो देखिए आपको मैं पहले डेंसिटी बताती हूँ। डेंसिटी की यूनिट होती है हाउंसफील्ड यूनिट। तो हम लोग की सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पे होगी, D1 बोन सबसे डेंस बोन होगी, तो ये क्या होगी 1250 हाउंसफील्ड यूनिट D1 बोन की डेंसिटी। D2 बोन की डेंसिटी करेंगे तो इसका हायर लिमिट ये होगा, है ना, क्योंकि इससे इसकी डेंसिटी कम है। तो ये एंड तो कहां होगी 1250 में, और शुरू कहां पे होगी हमारी 850 से, ठीक है। और अगर हम लोग D3 की बात करते हैं तो ये एंड कहां पे होगी 850 पे, लेकिन शुरू कहां से होगी इसकी डेंसिटी 350 से। तो A की वैल्यू याद करने की जरूरत है, इसका ये एंड में आ जाएगा, है ना। फिर ये D4 बोन एंड कहां होगी 350 में, और शुरू कहां से होगी 150 में, और सबकी यूनिट HU ही है, हाउंसफील्ड यूनिट, ठीक है। और D5 बोन की क्या होगी, लेस देन हमारी 150 HU होगी, ठीक है। तो अब कोई जरूरी नहीं है कि मेरी पोस्टीरियर मैंडिबल में ही इतनी डेंसिटी होगी, और कहीं भी, जैसे कि मेरी एंटीरियर, किसी किसी केस में जिसको पेशेंट को मान लीजिए थोड़ा बोन वीक है उसकी, तो उसकी एंटीरियर मैंडिबल में भी प्रेजेंट हो सकती है, उसके एंटीरियर मैंडिबल में भी प्रेजेंट हो सकती है। और किसी किसी की बहुत अच्छी बोन है तो जो D2 बोन है मैक्सिला एंटीरियर में भी प्रेजेंट हो सकती है। तो D3 और कहां हो सकती है, मेरी पोस्टीरियर मैक्सिला में भी हो सकती है, और मेरी कहां पे हो सकती है, सेम पोस्टीरियर मैंडिबल में भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके साथ हमारी क्या खत्म होती है, मिश्की क्लासिफिकेशन खत्म होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस केस में, किस पेशेंट में हम लोग डेंटल इम्प्लांट देते हैं। हम लोग डेंटल इम्प्लांट देखिए उस पेशेंट में दे सकते हैं, या तो हम किसी भी कहीं पे भी हमारा दांत मिसिंग है उस केस में हम लोग इम्प्लांट डालते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो या तो मैं डेंचर के पेशेंट में दे सकती हूँ जिसमें मैंने क्या है इम्प्लांट डाल के और ओवर डेंचर दे दिया। अब ओवर डेंचर भी या तो फिक्स हो सकता है मेरा या रिमूवेबल हो सकता है, ये बात तो आपको पता ही है। तो अगर किसी पेशेंट का डेंचर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी एनाटॉमी आसपास की ऐसी है जो डेंचर को पकड़ नहीं पा रही है, या तो मेरे बोन की वजह से बोन कम है उसकी और डेंचर रिटेंटिव नहीं है, या फिर मेरा मसल कोऑर्डिनेशन नहीं है जिस वजह से मेरा डेंचर रिटेंटिव नहीं है, या फिर पेशेंट आके ऐसे बोलता है कि मुझे ऐसा चाहिए कि एकदम मैं चने चबा सकूं, मैं बादाम खा सकूं, मैं गन्ने छील सकूं, हाँ, और बोलेगा मुझे ऐसा डेंचर चाहिए जो लूज ही ना हो, जो एकदम फिक्स रहे, तो उस केस में भी हम लोग क्या है इम्प्लांट में ओवर डेंचर देते हैं इम्प्लांट डाल के। या फिर पेशेंट को हाइपर एक्टिव गैग रिफ्लेक्स है, ये तो हो गया CD की बात, अगर कंप्लीटली डेंचुलस है। अगर हम लोग सिंगल टूथ मिसिंग की बात करते हैं तो उसमें देखिए अगर मेरा जो मेरा अगर FPD यूनिट की बात कर रहे हैं तो उसके इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे हेल्दी दांत है ना, हेल्दी दांत है उसको कट करके हमें जो है ब्रिज बना रहे हैं, तो हेल्दी दांत को हम क्यों कट करें, उस केस में हमारे पास एक और सब्स्टिट्यूट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं सिंगल जो है टूथ इम्प्लांट दे सकते हैं, तो उसमें क्या होगा मेरी टूथ की कटिंग नहीं होगी, दोनों के दोनों जो है वो दांत भी बच जाएंगे। तो उस केस में भी हम लोग जिसमें पेशेंट अफोर्ड कर सके, पेशेंट अगर खुद अफोर्ड करेगा तो ही आप इम्प्लांट दे सकते हैं, क्योंकि इम्प्लांट जो है थोड़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होती है। तो किस कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें आप इम्प्लांट नहीं दे सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट होंगे जिसमें इम्प्लांट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन कौन सी होंगी, या तो पेशेंट को क्या है कैंसर पेशेंट है जिसकी क्या हुई है रेडियोथेरेपी हुई है, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी के पेशेंट में भी क्या हो सकता है, ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस हो सकता है, यानी बोन डिजनरेट हो सकती है, तो उस केस में भी हम लोग इम्प्लांट नहीं देते हैं। या फिर पेशेंट को पहले से ही कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट है, ठीक है, वो ट्रीट नहीं हुई है,
ठीक है, तो इंट्रा ओरल पैथोलॉजी प्रेजेंट है जो कि ट्रीटेड नहीं है, तो उस केस में भी हम लोग क्या है इम्प्लांट नहीं दे सकते। अब देखिए अगर पेशेंट, अगर जब हम इम्प्लांट डालते हैं, हम लोग केस हिस्ट्री लेते हैं, तो केस हिस्ट्री में अगर पेशेंट का टूथ लॉस का रीजन जो है पेरिडोंटल डिजीज से हुआ है और वो ट्रीट नहीं हुआ है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरिया ने पेरिडोंटल डिजीज किया, वो आगे इम्प्लांट भी फेल कर सकता है। तो ये फाइंड आउट करना आपको बहुत जरूरी है। या फिर कोई पेशेंट क्या है अल्कोहल एडिक्टेड है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड है, अनट्रीटेड है, या फिर ड्रग अब्यूज्ड है पेशेंट, तो उस केस में भी हम लोग क्या है इम्प्लांट नहीं डालते हैं। या फिर साइकेट्रिक पेशेंट है, ठीक है, पागल है, अनट्रीटेड है, उस केस में भी हम लोग इम्प्लांट नहीं डालते हैं। या फिर पेशेंट को क्या है रीसेंट एमआई का अटैक आया है, विद इन सिक्स मंथ हम कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं जब हमारा एमआई का अटैक आता है। और या फिर अगर मान लो ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट है, ठीक है, और वो क्या ले रहा है बिसफॉस्फोनेट्स ले रहा है। बिसफॉस्फोनेट्स क्या करते हैं, बिसफॉस्फोनेट्स जो हमारे ऑस्टियोक्लास्ट को ही मार देते हैं ताकि मेरी बोन रिजॉर्प्शन ना हो, उसके लिए हम लोग बिसफॉस्फोनेट देते हैं। लेकिन ये जो होगी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है ये इम्प्लांट के अंदर। अगर बिसफॉस्फोनेट ऑलरेडी ले रहा है तो रीमॉडलिंग नहीं होगी बोन की, तो उस केस में क्या होगा हमारा इम्प्लांट फेल हो जाएगा। तो बिसफॉस्फोनेट के पेशेंट में भी क्या है हम लोग नहीं देते हैं। या फिर पेशेंट की एज अगर 18 ईयर से कम है, देखिए अगर पेशेंट की एज जो है 18 ईयर से कम है, तो अगर आपने इम्प्लांट डाल दिया है फिर उसके बाद क्या होगा, जो ग्रो करेगा तो क्या होगा वो इम्प्लांट जो होगा सबमर्ज हो जाएगा। तो उस केस में भी क्या होता है एब्सोल्यूटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इम्प्लांट। या फिर पेशेंट को कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, इम्यूनोसप्रेशन है, तो उस केस में भी क्या है इम्यूनिटी जो होगी इम्प्लांट फेल कर देगी, उस केस में भी हम लोग इम्प्लांट नहीं डालते हैं। या फिर पेशेंट को बिल्कुल ही पुअर ओरल हाइजीन है ना, पेशेंट ब्रश ही दो दो तीन तीन महीने में करता है। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो दो दो तीन तीन महीनों में एक बार ब्रश करते हैं। तो अगर पेशेंट पुअर ओरल हाइजीन कर रहा है और फिर वो बोल रहा है कि नहीं नहीं आप इम्प्लांट डाल दो हमारे पास पैसा है, तो उस केस में भी हम इम्प्लांट नहीं डालेंगे क्योंकि इम्प्लांट जो होता है फेल हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है। अब हम लोग क्या है क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्लांट में क्या है, मेरा सबसे पहला आता है सब पेरियोस्टियल इम्प्लांट। सब पेरियोस्टियल मतलब गम्स के नीचे, देखिए ये इम्प्लांट जो है ना मेरा गम्स के नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें क्या करते हैं, ये मेरी जॉ की बोन है, इसके ऊपर गम्स की लेयर है, ये गम्स की लेयर हटाई और जस्ट इसके ऊपर इम्प्लांट प्लेस कर दिया। इसमें बोन के अंदर ड्रिलिंग नहीं करते हैं, सब पेरियोस्टियल में बोन में कोई ड्रिलिंग नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फुल थिकनेस फ्लैप रेस किया, बोन आ गई, बोन का इंप्रेशन ले लिया पॉलीथर से, उसके बाद क्या किया वापस से सूचर कर दिया। सूचर करके जो मैंने इंप्रेशन लिया है उसका मैंने कास्ट पोर कर दिया, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया टाइटेनियम का एक फ्रेमवर्क बना दिया। देखिए ये मेरा क्या है फ्रेमवर्क आ जाता है, ठीक है, इसके ऊपर मेरे अबटमेंट होते हैं, इसके ऊपर मेरे अबटमेंट होते हैं, और यहां पे क्या है मेरा एक फ्रेमवर्क है जो मेरा बोन के अंदर जाएगा, जिससे क्या होगा ये पूरा फ्रेमवर्क स्क्रू होगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये टाइटेनियम का जो फ्रेमवर्क है ना ये क्या रहता है, ये अब नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आए टाइटेनियम का फ्रेमवर्क रेडी हो गया, अब दोबारा क्या किया हमने सूचर इंसिजन दिया, इंसिजन देने के बाद फुल थिकनेस फ्लैप रिफ्लेक्ट किया, अब ये पूरा का पूरा टाइटेनियम फ्रेमवर्क जो है जो बोन के ऊपर रख दिया। अब जो बोन के ऊपर रखने के बाद ये वाला जो फ्रेमवर्क है इसको हम लोग क्या करते हैं स्क्रूज लगा के फिक्स कर देते हैं, फिक्सेशन स्क्रूज से हम बोन के अंदर फिक्स कर देते हैं, और उसके ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग वापस से सूचर कर देते हैं, हील हो जाता है तो दोबारा इंप्रेशन लेते हैं, उसके ऊपर हम फिक्स या फिर रिमूवेबल प्रोसेसेस दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया सब पेरियोस्टियल इम्प्लांट। ट्रांस ऑस्टियल इम्प्लांट जो है नेक्स्ट, ट्रांस ऑस्टियल इम्प्लांट जो है नाम क्या बता रहा है ट्रांस है, ठीक है, यानी बोन के बिल्कुल आर पार नीचे तक जाएगा। ये इम्प्लांट के अंदर मेरा क्या होता है, इसके अंदर मेरी ये है सब मैंडिबुलर बेसल प्लेट, यानी कि एक प्लेट जो होगी वो मैंडिबल के अंदर जाएगी नीचे बिल्कुल बेस पे, बेसल प्लेट है बेस तक जाएगी मैंडिबल के, ठीक है। तो ये वाली जो प्लेट है अब इसमें क्या करते हैं एक इंट्रा ओरल इंसिजन देते हैं, एक एक्स्ट्रा ओरल बाहर से इंसिजन देते हैं। देखिए ये वाला जो इम्प्लांट होता है ये हम लोग जनरल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं, तो ये जो बेसल प्लेट है वो नीचे जाती है, ये जिसमें मेरा मान लो बहुत सीवियर रिजॉर्प्ड रिज है, मान लो रिज इतनी है, उस केस में हम क्या ड्रिल करेंगे, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं उस केस में हम लोग सब ट्रांस ऑस्टियल इम्प्लांट देते हैं। तो नीचे जो बेसल प्लेट होती है ऊपर मेरे इम्प्लांट आते हैं और उसके ऊपर मेरे अबटमेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है मेरा एंडोसियस इम्प्लांट होता है, एंडोसियस जो बोन के अंदर जाता है, जो हम अब तक हम जो हम इम्प्लांट का डायग्राम बनाते आए थे वो मेरा एंडोसियस के अंदर आता है। अब इसके अंदर दो हैं, या तो हम लोग बात करते हैं ब्लेड फॉर्म की,
या फिर है मेरा रूट फॉर्म जो मैंने लास्ट हम लोग जो लास्ट वीडियो में जो डायग्राम बनाया था ये वाला जो पार्ट्स पड़े थे वो हमारे रूट फॉर्म इम्प्लांट के थे. ठीक है, ब्लेड फॉर्म जो मेरा इम्प्लांट होता है, ब्लेड फॉर्म हमारा इम्प्लांट ऐसा होता है. ये हमारा होता है ब्लेड फॉर्म इम्प्लांट. देखिए ये ऐसा पतला लंबा होगा. इस केस में ब्लेड फॉर्म इम्प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फुल थिकनेस फ्लैप रिलिफ्ट कर देते हैं, फुल थिकनेस फ्लैप एलिवेट किया. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक या तो थिन डायमंड बर से लेके या डिस्क से लेके या फिर पीजो सॉ से लेके. देखिए वो एक जैसा भगवान कृष्ण भगवान का आपने चक्र देखा है ना, वैसा एक कलर एक बर होता है, वो बिल्कुल पतला होता है, चक्र जैसा होता है. उससे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंसिजन दे देते हैं बोन के अंदर. और कितना कितना साइज का बर, जितने साइज का हमारा इम्प्लांट लेना है उतने ही सिलेक्टेड साइज का जो है हम ऑस्टियोटोमी में प्रिपरेशन कर देते हैं. अब इम्प्लांट को क्या करते हैं, ठक ठक करके टैप कर करके उस जो हमने इंसिजन देके स्लॉट बनाया है उसके अंदर डालते हैं. फिर और जो अबटमेंट है मेरा वो हम बाहर छोड़ देते हैं. और फिर 2 से 3 महीने होने के बाद जब हमारा सॉफ्ट टिश्यू हील कर जाता है, यहां तक देखिए आएगा, ये मेरा बाहर रहेगा, तो इसके ऊपर जो है हम लोग प्रोस्थेसिस दे देते हैं 2 से 3 महीने में. रूट फॉर्म इम्प्लांट आपको पता ही है, रूट फॉर्म इम्प्लांट ये वाला इम्प्लांट होता है. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फुल थिकनेस फ्लैप एलिवेट करते हैं. अब दो तरीके का है, या तो फ्लैप वाला कीजिए या आजकल फ्लैपलेस टेक्निक हो रही है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. फ्लैपलेस टेक्निक में क्या होता है, हम फ्लैप एलिवेट नहीं करते हैं, हम टिश्यू पंच लेके उसी जगह में सिर्फ उतना उतना सॉफ्ट टिश्यू काट देते हैं जितनी की हमें जरूरत है. या फिर रूट फॉर्म इम्प्लांट में सबसे पहले अगर हम लोग फ्लैप टेक्निक की बात करते हैं तो फ्लैप में क्या करते हैं, हम लोग इंसिजन देते हैं, सॉफ्ट टिश्यू रिफ्लेक्ट करते हैं, बोन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑस्टियोटोमी ड्रिलिंग करनी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूट फॉर्म इम्प्लांट की कैसे हम स्टेप बाय स्टेप रूट फॉर्म इम्प्लांट डालते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. अभी सिर्फ मैं आपको एकदम हल्का सा हाईलाइट दूंगी कि ऑस्टियोटोमी प्रिपरेशन करते हैं, जो साइज का हमें इम्प्लांट डालना है वो साइज की ड्रिल तक में हम खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग इम्प्लांट प्लेस करते हैं, उसके बाद कवर स्क्रू डालते हैं जो हम बात कर चुके हैं. इसके बाद हमारा जो आता है लास्ट आता है बेसल ऑशियो इंटीग्रेटेड इम्प्लांट. बेसल ऑशियो इंटीग्रेटेड इम्प्लांट जो होता है वो हमारा ऐसा दिखाई देता है. ये मेरा है बेसल ऑशियो इंटीग्रेटेड इम्प्लांट. ये क्या होता है, लैटरली, यानी कि ये जो है ना इम्प्लांट, देखिए ये लैटरल स्लिट मार के हम लैटरली यानी ऐसा होल करते हैं हम लोग. ठीक है, एक ऐसे तो ऐसे ड्रिलिंग करते हैं, एक ऐसे ड्रिलिंग करते हैं, और फिर ये साइड से क्या है, हम लोग मैलेट से ऐसे ठक 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 ठक, मान लीजिए ये इम्प्लांट है मेरा, फिर ऐसे ठक 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 साइड से इस इम्प्लांट को ऐसे साइड से हम लोग जो है अंदर घुसाते हैं. ठीक है, ये हमारा हो गया बेसल ऑशियो इंटीग्रेटेड इम्प्लांट. ये बहुत स्टेबल इम्प्लांट होता है, इसमें इमीडिएटली रिस्टोरेशन कर सकते हैं. अब हम लोग करते हैं रूट फॉर्म इम्प्लांट की आगे क्लासिफिकेशन की बात. अब सिर्फ हम लोग रूट फॉर्म इम्प्लांट जो है हमारा उसी में ही आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. तो रूट फॉर्म इम्प्लांट हमारा और कौन कौन से टाइप का हो सकता है, रूट फॉर्म इम्प्लांट कौन कौन से टाइप का हो सकता है, या तो मेरा हो सकता है एक्टिव या मेरा हो सकता है पैसिव. एक्टिव इम्प्लांट कौन सा होता है, एक्टिव इम्प्लांट वो होता है जिसके अंदर हमारे थ्रेड्स होते हैं, है ना, थ्रेडेड इम्प्लांट होता है, यानी कि सेरेशंस वाला होता है, ऐसे स्क्रू के जैसे, जैसे पेंच में थ्रेड्स होते हैं वैसा होगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हेक्स. हेक्स अगर हेक्स के बेसिस पे अगर हम लोग हेक्स का डिजाइन यानी इम्प्लांट का कनेक्शन देखेंगे तो हमारा क्या होगा, या तो इंटरनल होगा हेक्स या फिर एक्सटर्नल हेक्स होगा. लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इंटरनल हेक्स मतलब इम्प्लांट का जो कनेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा एबटमेंट के साथ, और एक्सटर्नल हेक्स मतलब इम्प्लांट का कनेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ होगा. ठीक है, कनेक्शन की डिजाइन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो हमारा कौन कौन सा हो सकता है, या तो हमारा होता है ट्रायंगुलर डिजाइन हो सकता है, या फिर हमारा होता है हेक्सागनल डिजाइन हो सकता है सिक्स साइडेड वाला, या फिर मेरा क्या हो सकता है ऑक्टागनल डिजाइन होता है, ठीक है, एट वाला, ठीक है, या फिर मेरा क्या हो सकता है नॉन हेक्स हो सकता है, या फिर मेरा क्या हो सकता है मोस्ट टेपर हो सकता है. अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा इम्प्लांट का मटेरियल क्या है, तो इम्प्लांट के मटेरियल के बेसिस पे हमारा या तो होगा टाइटेनियम का इम्प्लांट, टाइटेनियम टाइटेनियम के एलॉयज, ठीक है, या फिर हम लोग आजकल जो इम्प्लांट फेमस है वो क्या है, जिरकोनिया इम्प्लांट है. ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा थ्रेड का डिजाइन कैसा है, तो या तो हमारा हो सकता है वी शेप का, या हमारा हो सकता है यू शेप का. ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि इम्प्लांट जो है वो हमने कितने पीस में डाला है, तो वो हो सकता है या तो टू पीस इम्प्लांट हो सकता है. टू पीस इम्प्लांट का मतलब क्या है कि पहले तो हमने क्या इम्प्लांट डाला, फिर उसके बाद क्या है हमने अबटमेंट डाला. आजकल क्या है वन पीस इम्प्लांट आए हुए हैं, यानी कि जिसमें हम लोग इमीडिएट लोड कर देते हैं, जैसे कि इमीडिएट क्राउन लगा के देना, तो इम्प्लांट है उसी के ऊपर ही क्या है हमारा अबटमेंट बना बनाया आता है, कस्टमाइज होता है. ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा वन पीस इम्प्लांट होता है, या फिर हमारा क्या है सरफेस मॉडिफिकेशन के बेसिस पे जो है इम्प्लांट को क्लासिफाई कर लेते हैं रूट फॉर्म को, यानी कि सैंड ब्लास्टेड है, एसिड एच है,
ठीक है, या फिर हमारा क्या है आयोनाइज्ड है, या फिर हमारा है हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटेड, ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्या है क्लासिफिकेशन खत्म हो चुकी है। तो ये वीडियो में हम लोग बोन डेंसिटी की क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं, लिंको की क्लासिफिकेशन, लेकोमजार्क की क्लासिफिकेशन, मिश की क्लासिफिकेशन, तीनों की क्लासिफिकेशन, बोन डेंसिटी की, बोन डेंसिटी, मिश की क्लासिफिकेशन हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। दोनों में डिफरेंस क्या था लेकोमजार्क की और मिश की क्लासिफिकेशन में, जो हमारा थर्ड क्लास था उसके अंदर जो लेकोमजार्क में था क्या था, उसमें डेंस ट्रबैकुलर बोन थे, और थ्री के अंदर जो हमारा मिश की क्लासिफिकेशन थी B3 बोन के अंदर उसमें हमारा फाइन ट्रबैकुलर था, दोनों की कोर्टिकल प्लेट जो थी वो थिन थी, और फोर के अंदर क्या आया था हमारा थिन कॉर्टिकल प्लेट थी और अंदर क्या था लो डेंस ट्रबैकुले था, लेकिन जो हमारा D4 है उसमें सिर्फ फाइन ट्रबैकुले प्रेजेंट था। कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशन बात कर चुके और क्लासिफिकेशन कवर कर चुके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेंटल इम्प्लांट का स्टेप बाय स्टेप कैसे डेंटल इम्प्लांट प्लेस करते हैं वो बात करेंगे। देखिए हम प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और देखते रहिए डेंटल पाठशाला।